नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम बलबड्डा में हैं और कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी की भी यहां रैली हुई थी और आज योगी आदित्यनाथ की भी रैली है और इसी क्रम में हमने दोनों जगह की भीड़ भी आपको दिखाई है। बलबड्डा में लगातार जो है चुनावी रैलियों के बीच अशोक कुमार जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से महागामा विधानसभा से, अभी योगी जी की सर रैली हुई, क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस तरह का भीड़ था और किस तरह का माहौल आपने देखा? ये तो योगी जी के प्रति श्रद्धा है जो इतनी बड़ी संख्या में ये महागामा विधानसभा क्षेत्र की जनता माता बहन उपस्थित हुई है जी। और उनका संदेश लेकर के अब गांव-गांव जा कर के इसको फैलाएंगे। योगी जी के संदेश को गांव-गांव तक फैला करके भारतीय जनता पार्टी अपना हम लोग विजयी होंगे। अभी लगभग जो है हर एक जगह आप लोगों ने घूम ही लिया होगा, किस तरीके का मतदाताओं का रुझान दिख रहा है, क्योंकि अब वोटिंग में ज़्यादा दिन नहीं है, अब तो वोटर्स जो है अपना फैसला देंगे, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं? मैं गांव-गांव जाता हूं, जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं, जनता के दुख सुख में आज भी चर्चा होती है, केवल वोट ही नहीं मांगना पड़ता, जनता की समस्या को भी सुनना भी पड़ता है। तो इस समस्या के उनको जो आत्मीय है वो मुझे ये नहीं कहते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, आपका ये काम गांव में बच गया, इसको विधायक जी जरूर पूरा कर दीजिएगा, ये विश्वास मुझे जनता पर है, क्योंकि जनता में रहने वाला व्यक्ति कोई विश्वास की जा सकती है, जो अभी आया है फिर चला जाएगा, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, तो जनता उस पर भरोसा नहीं कर सकती। ये बलबड्डा सर, बलबड्डा में राहुल गांधी की रैली, इतना बड़ा विवाद हो गया, संसद में इतना बात उठा, रेप इन इंडिया का उन्होंने यहाँ बयान दे दिया, किस तरीके से बलबड्डा को देखेंगे? बलबड्डा अचानक से चर्चा में आ गया है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, एक चीज़ है, बलबड्डा में हम लोग की पहले भी सवाल लगातार चुनाव में दौरान होती रही है और राहुल गांधी जी को यदि हम कहें तो उनको कुछ पता ही नहीं कि उनके अपने मुँह से वो क्या बोलते हैं, अब उसका अर्थ क्या निकलेगा, उनको खुद अपने ही बयान का पता नहीं है कि हम क्या बोल देते हैं और उसका अनर्थ निकलेगा, और इस तरह के भाषण दे करके महिलाओं के प्रति अपमान, ये तो पहली बार हिंदुस्तान में, जो कांग्रेस पार्टी के राजकुमार कहते हैं वही सत्य है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उनके बात में दम कहीं रहती नहीं, वो केवल विवाद खड़ा करना जानते हैं, चाहे किसी भी मुद्दे पर, केवल इसी मुद्दे पर नहीं, जिस मुद्दे पर वो यदि मुंह खोलते हैं तो केवल विवाद करते हैं, और उनकी बात को देश हित में कभी देखा नहीं गया, वो जब भी अपना कोई वक्तव्य निकलते हैं केवल राजनीतिक तुष्टिकरण के आधार पर निकालते हैं कि अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को वो देखना चाहते हैं, लेकिन देश हित पर बात करने से भागते हैं। ये चीज़ हमने देखा है, उनके भाषण को सुनकर हमने समझा है कि राष्ट्रीय और ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि देश हमारा सर्वोपरि है, पार्टी हम बाद में हैं, उसके बाद कोई निर्णय होना चाहिए। कितने तैयार भाजपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं आप, जिस तरीके से युवा की भी अच्छी खासी फौज दिख रही है, भीड़ दिख रही थी, आपके साथ लोग घूम रहे हैं, कितने तैयार हैं आप लोग 20 तारीख के लिए? तो मैं तो अकेले गांव जाता हूं, एक गाड़ी से घूम के निकल जाता हूं, कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, मुझे खुशी के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दायित्व का निर्वाह कर रहा है। मैं किस गाँव में जाता हूँ उस गाँव के कार्यकर्ता को पता नहीं रहता कि भैया मेरे गाँव में आए हुए हैं, और तब तक मैं घूम के निकल जाता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता इस चीज़ को समझता है कि जिम्मेदारी बड़ी है और उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के सहयोग से जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।